दोपहर के वक्त सावन के बादल खुलकर बरसे, इतना बरसे कि शहर का नक्शा ही बदल गया। जहां कुशादा सड़कें थीं, वहां नदी नालों का गुमान होने लगा। बागात पानी के तालाब बन गए। मुख्तलिफ शाहराहें, कॉलोनियां और गली मोहल्ले जेरे आब आ गए। अब्दुल्लापुर केनाल रोड, जड़ावाला रोड, मदीनाबाद नदी नालों में तब्दील। खान मॉडल कॉलोनी, अकबर कॉलोनी, कहकशां टू और मंसूराबाद समेत मुतअद्दद इलाकों में बारिशी पानी से निजाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। वासा का नाकाफी सीवरेज सिस्टम बारिशी पानी की फौरी निकासी में नाकाम रहा, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। फैसलाबाद शहर में बारिश से जलथल एक हुआ तो अकबर चौक रोड पानी में डूब गया। जामिया चिश्तिया चौक, मंडी मोड़, समुद्री रोड, इकबाल स्टेडियम से मुल्हिक का इलाके भी सैलाबजदा इलाके जैसा मंजर पेश करने लगे। शहरी कहते हैं, जब भी बारिश हो सड़कें बारिशी पानी से भर जाती हैं और निकासी आब का कोई खातर खा इंतजाम नहीं किया जाता। वासा हुकाम के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा गुलाम मोहम्मदाबाद में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, मदीना टाउन में 62 और डोगर बस्ती में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और बारिश के साथ ही तमाम फील्ड स्टाफ और मशीनरी को निकासी आब के लिए मुतहर्रिक कर दिया गया।